आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमको क्या दिया है, देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इस 36 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है। अब हमको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर मेनली दो चीजों की होती है, लेंथ और ब्रेथ। क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी, 4 बड़ी, कितनी है, 4 मोर, मतलब उसके कंपेरिजन में कितनी, 4 बड़ी है। और जो विथ है, सॉरी, और जो उसका पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर कितना है, 36 है। अब हमको यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। व्हाट आई टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ बोथ। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर, देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई मीटर। तो मैंने यहां पर लेंथ को क्या लिया, एक्स लिया, ब्रेथ को क्या सपोज करा हमने, वाई। फिर देखो यहां पे फिर क्या दिया अपने को, पहला स्टेटमेंट, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को कंपेयर करूंगा तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी बड़ी है, 4 बड़ी, कितनी बड़ी है, 4 बड़ी है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू y, तो अब यहां पे आप लोग बताओ x और y में छोटा कौन है, y, कितना छोटा है, 4। तो y में अगर प्लस 4 करूंगा तब जाके दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब प्लस वाई ऐसा रहेगा तो माइनस, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही दूसरा क्या बोला है हमको, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। अब ये जो रेक्टेंगल हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं उसका हाफ पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर नहीं, उसका क्या हाफ पेरीमीटर कितना है, 36। तो हमको मालूम है सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 × L + B। देयरफॉर हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना यहां पे, 36 है। तो यहां पे सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ पेरीमीटर मतलब 2 × L + B अपॉन 2 इक्वल टू 30, 2 कट, तो L + B इक्वल टू 36। L मतलब क्या है हमारा, लेंथ, और लेंथ को हमने क्या सपोज करा यहां पे, x, b क्या है हमारा, ब्रेथ, जिसको हमने सपोज करा है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है हमको, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन देखो, x माइनस y इक्वल्स टू 4। तो जैसे हम लोग कभी भी ग्राफिकल मेथड करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट। तो मैं यहां पे x को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो माइनस वाई ऐसे रहेगा तो क्या होगा, प्लस, तो y x इक्वल्स टू 4 प्लस y। अब अगर x सब्जेक्ट है तो मैं यहां पे y की कोई भी 3 वैल्यू लेता हूं, क्या लेता हूं बड़ा, y की कोई भी 3। अब देखो ये पर्टिकुलर सम, देखो आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये पर्टिकुलर सम में हम है ना मल्टीपल ऑफ 4 वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे बेटा, मल्टीपल ऑफ 4। तो चलो पहली वैल्यू मैं लेता हूं 0, 4 और 8, कौन कौन से वैल्यू लेता हूं मैं, 0, 4 और 8। तो सबसे पहले फॉर y इक्वल्स टू 0, तो x क्या होगा, 4 प्लस 0, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो पहला सॉल्यूशन सेट 4, 0। फिर फॉर y इक्वल्स टू, अब क्या लेते हैं हम लोग y को 4, तो x इक्वल्स टू 4 + 4, तो फॉर x इक्वल्स टू 8, तो दूसरा सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, 8, 4। कितना होगा दूसरा सॉल्यूशन सेट, 8, 4। और लास्ट हम लोग लेते हैं y इक्वल्स टू 8, therefore x is equals to 4 plus 8, therefore x is equals to 12, तो लास्ट होगा हमारा 12, 8। ठीक है, तो ये हमको पहले लाइन के इक्वेशंस मिल, सॉल्यूशन मिल गया। वैसे ही हम लोग अब सेकंड जो इक्वेशन है उसके भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x plus y equals to 36,
तो एज यूजुअल दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई को एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो वाई को मैं इक्वल टू के वो साइड भेजूंगा, तो एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। सो एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे y की वैल्यू देखो, जैसे मैं बता 4 का मल्टीपल अपने को लेना है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 8, 12 और 16। क्या क्या लेते हैं वैल्यूज हम लोग, 8, 12 और 16। तो सबसे पहले फॉर y इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 36 माइनस 8, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 28। तो पहला सॉल्यूशन आएगा 28.8। फिर फॉर y इक्वल्स टू क्या लेते हैं अब हम लोग 12, तो x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 12, तो फॉर x इक्वल्स टू 24, तो x कॉमा वाई दैट विल बी 24.12, तो यहां पे आएगा 24। फिर फॉर y इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल टू 36 माइनस 16, तो x इक्वल्स टू 20, सो x कॉमा y सॉरी दैट विल बी 20.16। ये हमारे दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ गया। अब ये दोनों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं। तो दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा था। पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, जिसके तीन सॉल्यूशंस कौन कौन से मिले थे, 4.0, 8.4 और 12.8। और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, उसके सॉल्यूशन क्या थे, 28.8, 24.12 और 20.16। तो देखो यहां पे मैंने जो हमारी एक्सिस बनाई है, जैसे ये हमारी x एक्सिस है, x, x dash, ये y dash और ये हमारी y, तो ये जो एक्सिस हमने बनाई है उसके ऊपर हमने 4 के मल्टीपल, हमने सॉल्यूशन में भी 4 के मल्टीपल ले, यहाँ पे भी हमने 4 के मल्टीपल, क्योंकि अगर हम लोग 1, 2, 3 लेने जाते तो बहुत बड़ा होता, ग्राफ में वो एडजस्ट होता नहीं। अब देखो पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x का 4 और y का 0, तो x का 4 और y का 0 यानी पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, x का 8 y का 4 तो पॉइंट यहां पे आएगा, x का 12 y का 8, तो x का 12 और y का 8। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन की पहली इक्वेशन की लाइन बनी, जिसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और यहां पे हमारी है लेंथ क्योंकि हमने x ले, और ये है हमारी ब्रेथ। फिर दूसरा सेकंड इक्वेशन की अब लाइन बनाते हैं, x का 28 और y का 8, तो x का 28 ये रहा और y का 8, तो दोनों यहां पे मीट होंगे कि नहीं होंगे, x का 28 और y का 8 तो यहां पे मीट होंगे। फिर x का 24 और y का 12, x का 24 और y का 12 वो यहां पे मीट होगा, x का 20 और y का 16, x का 20 और y का 16। अब इसको भी हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे ये हमारी दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब देखो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। अगर मैं इसको नीचे प्लॉट करूं, अगर तो ये होगा, देखो तो यहां पे हमारी, सो द लेंथ, यहां पे हमारा सॉल्यूशन आया 20.16, सो द लेंथ इज 620 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर, तो लेंथ हमारी 20 मीटर है और ब्रेथ हमारी 16 मीटर है।